बात करेंगे दुमका मसलिया प्रखंड की, जहां धोबना गांव के ग्रामीण पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं। गांव में पहाड़िया टोला, मोहाली टोला और बंगाली टोला में लगी जलमीनार कई माह से खराब पड़े हैं। ग्रामीण चापानल से पीने को पानी लेके आते हैं और नदी से अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। नदी में भी पानी नाम मात्र का बचा है। जल संकट से सबसे अधिक परेशान महिलाएं और स्कूली बच्चों को हो रही है। सबसे सुबह उठते ही महिलाओं को पानी की चिंता सताने लगती है। जलमीनार से लगभग 40 घर के 300 लोग अपनी प्यास बुझाते थे, लेकिन जलमीनार से लोगों को पानी नहीं मिलता है। ग्रामीणों ने जलमीनार के खराब हो जाने की सूचना पीएचडी कल्याण विभाग और मुखिया को दी, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों के समक्ष सबसे बड़ी समस्या ये है कि वे मवेशियों के लिए कहां से पानी की व्यवस्था करें। सुबह उठते ही चापाकलों में कतार लगनी पड़ती है और इसके अलावा कई परिवार ऐसे भी हैं जिनको नदी जाकर पानी लाना पड़ता है, लेकिन जिम्मेदार कुंभकर्णी निंद्र में सो रही है। सिनाई तो खूब कष्ट हुए हमार। पानी का बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग का। क्या नाम है आपका? दलाल पूजा। हम लोग का टंकी यहाँ मोटा मोटी एक महीना डेढ़ महीना से खराब है। बोर्ड खराब हो गया है। हम लोग मिस्त्री बुलाए, बोला कि ठीक नहीं होगा, इसमें ठीक होगा तो नया लगाना होगा, 18,000 दाम है बोलता है। इसीलिए हम लोग का छोटा गांव है, उतना पैसा नहीं उठता है, इसीलिए हम लोग छोड़ दिए। अभी एक तो पुराना चापाकल था, उसी को ठीक किए हैं, उसी से हम लोग का अपना पानी लाते हैं। गांव इसी में चलता है। तीन गो टंकी है, तीनों को ख़राब है। कहाँ का करे हम लोग को नहीं है, इसीलिए हम लोग अपने जो थोड़ा थोड़ा ख़राब होता था तो हम लोग मिस्त्री बुला पानी।